जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम अपने शेड और अपने गाय के ऊपर एक फुल डिटेल वीडियो लाएंगे कि कैसे अपना बिजनेस शुरुआत में चालू किया जाए, कैटल फार्मिंग हो गया, या कितना लागत लगेगा कम से कम में आप शुरू कर सकते हैं। चलिए अपने भैया से बात करते हैं कि उन्होंने कितना में नया नया बिजनेस शुरू किया। तो भैया ऐसे कि देख सकते हैं कि आपका इतना बड़ा शेड है, आपने कितने में शुरुआत किया? को बनाने में 1,20,000 रुपये लगा है। ये पूरा शेड बनाने में इसका चौड़ाई है 15 फीट और लंबा है 30 फीट। 30 फीट टोटल। ऐसा नेट दिख सकते हैं, गोल गोल नेट है, हर जगह देख सकते हैं कि इस ये सब चीज़ का क्या काम है? ये सब है कि धूप आपको ज़रूरत है तो आएगा फर्श पे सूखने के लिए, और ज़रूरत नहीं है तो इसको उठा दीजिए, धूप आएगा ठंडा का टाइम है। और तो देख सकते हैं कि यहाँ गाय है, तो कौन सा ब्रीड बताइए, कितना का पड़ा आपको, कहाँ से लिए हैं? ये है आपका क्रॉस ब्रीड में है जर्सी का, और इसका प्राइस लमसम हमको 28,000 रुपये लग गया था इसका, और लोकल से ही खरीदे थे। लोकल से ही खरीदे थे। और इसका पास दूध है दोनों टाइम से मिला के 7 लीटर दूध, 7 लीटर दूध है। हाँ, और काफ़ी अच्छा है इसे, और इसका साथ भी बच्चा बाछी है। बाछी ये वाला कि वो वाला है? वो वाला बच्चा वाला नीचे है, बाछी है। और जैसे एक और गाय दिख रहा है आपको, ये कौन सा गाय है? ये भी घर का ही तो है, लेकिन इसका प्राइस लमसम 45,000 को मिल रहा था, लेकिन हम नहीं बेच पाए इसको, और ये लमसम 10 लीटर दूध कर रहा है दिन भर में। दिन भर में एक ये कौन सा ब्रीड है? ये सहीवाल क्रॉस में है। सहीवाल क्रॉस में देसी और सहीवाल क्रॉस है, और इसके साथ भी बच्चा बाछी है ये वाला। हाँ, ये हाल के बच्चा लग रहा है। हाँ, लमसम 1 महीना हो चुका है। एक महीना हो गया है। तो इसका कुछ और बताइए बारे में कि जैसे खाना क्या खाता है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ देते होंगे आप? खाना में वही कुट्टी देते हैं, उसके साथ दाना मिक्स करते हैं। आपका दाना में हो गया ये, इधर ये देख सकते हैं दाना में हो गया, आता ये कपिला हो गया, ये कपिला हो गया, कपिला हो गया, और ये राइस ब्रान हो गया दिखाइए, और ये गेहूँ का हो गया दर्रा दर्रा, और इसमें सरसों का खल है, और मक्का का दर्रा घर पे है वो उबाल के देते हैं हमको। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप इतना ये लोग खाना देते हैं, तो कितना लग जाता है आपका एक बोड़ा? जैसे कपिला बोले हैं आप अमूल का यूज़ कर रहे हैं, देख सकते हैं ये लमसम 1,300 रुपये का पड़ता है 50 केजी। 50 कितना चलता है आपका दो गाय में? दो गाय में लमसम 2 बोड़ा खा जाता है महीना भर में, 2 बोड़ा मैंने 2600 रुपये आपका लग जाता है। 5,000 खाता है। और अभी फिलहाल दूध कहाँ दे रहे हैं आप? ये लोग का दूध निकलता है तो मेरा दूध सब डेयरी में जाता है, मेगा डेयरी में झारखंड सरकार का है, उसी में जाता है। कि आपका दूध मेगा डेयरी में जाता है झारखंड सरकार के पास, तो क्या रेट मिलता है आपको? 35 रुपये भी आता है, 28 रुपये भी आता है, वही बीच में आता है रेट, मतलब दूध के हिसाब से। ऐसे आपको कैश कैसे मिलता है, महीना के बेसिस पे कि दिन का बेसिस पे? 15 दिन पे आता है पेमेंट। देखो अपना अगर बिजनेस छोटा शुरू करना हो या छोटा ये फार्म बनाना हो, कम गाय रखना हो, तो कितना लागत लग जाएगा उसका? छोटा किसी को स्टार्ट करना हो तो लमसम 80,000 में भी हो जाएगा आपका लगभग। गाय लेके? गाय हाँ, अगर छप्पर का सेट बनाइएगा तो गाय लेके 80,000 हो जाएगा, 80 से 1 लाख। 80 से 1 लाख। ऐसे आप देख रहे कि इतना बड़ा फार्म है आपका, इतना बड़ा फार्म कर लिए सब कर लिए, टोटल कितना लग गया अभी तक आपको गाय लेके? लगभग 2 लाख रुपया लग चुका है, और शेड में लगभग स्पेस है 7 गाय का स्पेस है, 7 गाय अड़ सकता है। हाँ, मैं अभी 2 गाय रखा हूँ और उसके बाद इसमें बढ़ाना है। तो अभी क्या सोच रहे कब तक नया गाय आएगा आपका? देखिए 15 दिन लग जाएगा। 15 दिन लग जाएगा, तो क्या ख्याल में कौन सा गाय लाना चाहेगा? अब लाएंगे 15 से 20 लीटर वाला गाय, ये सब छोटा गाय था शुरुआत के लिए। हाँ, शुरुआत के लिए कौन सा गाय सबसे बेस्ट रहेगा? अब लोकल जगह से खरीदिएगा तो बेस्ट रहेगा सीखने के लिए। सीखने के लिए फिलहाल आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। कितना दिन हुआ है आपका अभी ऐसे? 1 महीना हो चुका है। 1 ही महीना हुआ है, नया बिजनेस है, नया बिजनेस देख सकते हैं। तो फिर आपको बस अपडेट देना चाहते थे कि हमारा गाय का नया शेड भी खुल चुका है और मछली का भी 2.5 महीना हो चुका है पूरा। तो अगला वीडियो उसी पर होगा कि कितना खिला रहे हम लोग और कैसा है हमारा फिश। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।